भारतीय पुलिस का करीब 75 साल तक साथ देने वाली 303 राइफल को 26 जनवरी 2020 को अंतिम विदाई दे दी गई। उस दिन इस राइफल से अंतिम बार फायर किया गया। पुलिस महकमे में अब इसकी जगह इंसास राइफल ने ले ली है। इंसास राइफल 303 राइफल से कहीं ज्यादा आधुनिक और खतरनाक मानी जाती है, लेकिन एक जमाना था जब 303 राइफल से ज्यादा खतरनाक हथियार कोई दूसरा नहीं था। आज की इस वीडियो में हम 303 राइफल और इंसास राइफल के बीच अंतर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात 303 राइफल की करते हैं। 303 राइफल का इस्तेमाल सबसे पहले 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। 1945 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 303 राइफल पुलिस को दी। इसका असली नाम ली एनफील्ड था। इस राइफल को सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी ने इस्तेमाल करना शुरू किया था। 303 राइफल की विशेषता यह थी कि यह करीब 3.5 फीट से ज्यादा लंबी होती थी और इसके बैरल की लंबाई करीब 25 इंच होती थी। यह वजन में काफी भारी थी। इसका वेट करीब 5 किलो होता था। हालांकि इसकी मारक क्षमता भी गजब थी। यह करीब 200 मीटर तक अपने टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 303 राइफल ने खूब धूम मचाई और दूर बैठे दुश्मनों को भी मार गिराया। इसकी खासियत को देखते हुए आजादी के बाद पहली बार भारत में इसका इस्तेमाल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा किया गया। बाद में राज्य पुलिस बलों को इसे सौंप दिया गया। इसकी बदौलत ही भारतीय पुलिस ने लंबे समय तक कानून व्यवस्था को संभाले रखा। लेकिन बदलते जमाने के साथ मार्केट में नए नए वेपन्स आ गए। अपराधी भी नए नए हथियारों से घटनाओं को अंजाम देने लगे, जिसके चलते पुलिस को भी हाईटेक होना पड़ा और 303 राइफल की जगह इंसास राइफल को लाया गया। हालांकि पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अभी भी 303 राइफल का इस्तेमाल होता है। अब बात इंसास राइफल की करते हैं। इंसास राइफल का वजन करीब 4.25 किलोग्राम होता है और इसकी लंबाई करीब 37.8 इंच होती है, जबकि इसके बैरल की लंबाई 18.3 इंच होती है। इसकी मारक क्षमता करीब 400 मीटर होती है। इसका पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है। इसका कैलिवर 5.56 mm होता है। वास्तव में इंसास राइफल का डिजाइन AK-47 से प्रभावित है। यह राइफल सर्वप्रथम 1998 की गणतंत्र दिवस की परेड दिखाई गई थी। इसके अगले साल 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। इंसास राइफल का डिजाइन ARDE नामक कंपनी ने 17 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वर्ष 1996 में तैयार किया था। इसका उत्पादन वर्ष 1997 में पश्चिम बंगाल की RFI फैक्ट्री में शुरू हुआ। यह आधुनिक युग का उत्तम शस्त्र माना जाता है। यह अन्य शस्त्रों के अपेक्षा हल्की और रिक्वायल एनर्जी कम होने के कारण हैंडलिंग तथा फायरिंग में आसान है। वर्तमान में भारत में ज्यादातर राज्यों की पुलिस के पास इंसास राइफल ही मौजूद है। गृह मंत्रालय द्वारा हथियारों की खरीद के लिए मंजूर सूची के मुताबिक इंसास राइफल की कीमत 57,000 रुपये है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।